इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावुन किया है। ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। चाइना बिजनेस सेंटर में तकरीब से खिताब करते हुए ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने कहा कि किसी भी शहर में बुनियादी मईशत को मद्देनजर रखकर ट्रेड के इकदामात को फरोग दिया जाता है। ग्वादर की बुनियादी मईशत फिश इंडस्ट्रीज से वाबस्ता है। इसके अलावा बॉर्डर ट्रेड भी इलाकाई मईशत के ट्रेड का अहम जरिया है। ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदा तंजीम है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुज़िश्ता 12 सालों से ग्वादर की तरक्की और ट्रेड के फरोग के लिए ज़हन साज़ी कर रही है। ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मकामी बिजनेस कम्युनिटी के अलावा बाहर के सरमायाकारों को सरमायाकारी की भी तरगीब दे रहे हैं। इस हवाले से ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक मालूमाती डेस्क भी कायम किया है, जहां बिजनेस कम्युनिटी और सरमाया रखने वाले अफराद को बिजनेस में शमूलियत के हवाले से मुआवनत फराहम की जा रही है। ग्वादर मुस्तकबिल में सरमायाकारी का हब बनने जा रहा है। इस हवाले से हुकूमत को कायल कर रहे हैं कि वो मकामी बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले और उनकी ग्वादर पोर्ट ऑफ फ्री जोन में ट्रेड के मौके फराहम करने के लिए हौसला अफजाई करे। इस हवाले से ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दावत पर सदर ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नागुमान अब्दुल तशरीफ लाए, जिनको बिजनेस कम्युनिटी को भी ट्रेड के मौकों से हमकिनार कराने के लिए तजावीज पेश की गयी। ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तजावीजात पर 250 पाक ईरान बॉर्डर पर ट्रेड की सहूलियात फराहम करने के लिए इकदामात बुरुएकार लाए जा रहे हैं। फिशिंग इंडस्ट्रीज यहाँ की बुनियादी मईशत का अहम जरिया है, जिसमे सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। ट्रेड के दीगर शोबों की तरह फिशिंग इंडस्ट्रीज भी अहमियत की हामिल है, लेकिन फिशिंग इंडस्ट्रीज की तरक्की के लिए जो इकदामात चाहिए वो शुरू नहीं किए गए। फिशिंग इंडस्ट्रीज यूरोप और दीगर ममालिक से ज़र मुबादला कमाने और मुल्क की मईशत पर खुशगवार असरात मुर्तब करने के लिए अहम रोल अदा कर सकती है। ग्वादर पोर्ट फिशिंग इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए साबित हो सकता है। फिशिंग मसनूआत की एक्सपोर्ट से न सिर्फ मुल्की और इलाकाई मईशत मजबूत होगी, बल्कि उससे मकामी सतह पर रोजगार के बहुत से मौके पैदा होंगे, जिससे बेरोजगारी पर काबू पाने में आसानी होगी। सदर ग्वादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नागुमान अब्दुल का कहना है कि यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्रीज को सहूलियात फराहम की जाएं, ताकि ये आलमी मायार के मुताबिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकें। पाकिस्तान ट्रेड ऑफ कारपोरेशन इस हवाले से बिजनेस कम्युनिटी की रहनुमाई करेगी।